आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी विभाग के सचिव को आरटीआई कैसे लगाएंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हर तरह के इस वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र मिलता रहे। उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर अवश्य करें। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे कि किसी भी विभाग के सचिव को कैसे आरटीआई लगाएंगे। मैंने यह राजस्व विभाग बिहार सरकार के सचिव को आरटीआई लगाया है, आप लोग भी देख रहे होंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्रधान सचिव कार्यालय राजस्व विभाग बिहार सरकार। अपना नाम पूरा पता लिखेंगे। मैंने इस माध्यम से एक DCLR की शिकायत सचिव से की थी, राजस्व विभाग के सचिव से। उसी से संबंधित मैंने यह सूचना मांगने का प्रयास किया था कि दिनांक कितना को मैंने रजिस्ट्री डाक कितना से श्रीमान प्रधान सचिव कार्यालय राजस्व विभाग बिहार सरकार को एक लिखित आवेदन दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस आवेदन पर की गई कार्रवाई का दैनिक रिपोर्ट क्या है, जैसे यह आवेदन किस दिन किस पदाधिकारी के पास पहुंचा और इस दौरान इसने क्या क्या कार्रवाई किए। अगला, दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी पर क्या क्या कार्रवाई किया गया। दोषी का नाम एवं पदनाम चाहता हूँ। आवेदन की छायाप्रति संलग्न है। मैंने जो आवेदन शिकायत आवेदन दिया था वो ये है, आप लोग देख रहे हैं। ये शिकायत आवेदन है, यह भी रजिस्ट्री डाक से शिकायत किया गया था, आप लोग देखें। यह भी रिसीविंग है डाक का, तो इसको लगा देंगे जो भी हम लोग शिकायत किए होंगे। इसी प्रकार या जिस भी तरह की सूचना आप लोगों को राजस्व विभाग से चाहिए तो इस प्रकार लिखकर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर फी के रूप में दे देंगे और अपना हस्ताक्षर, पूरा पता, मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, अपना स्थान और डेट दे देंगे। इस प्रकार हम लोग राजस्व विभाग के सचिव से भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी तरह की सूचना मांग सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप लोग इसको ठीक से समझ गए होंगे कि किसी भी विभाग के प्रधान सचिव को भी आरटीआई लगाई जाती है और निसंकोच लगाकर आप सूचना ले सकते हैं। जय हिंद।